इंटरनेट में काफी सारे न्यूज सुनने को मिल रहा है कि टाटा के तरफ से टाटा नैनो रिटर्न होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अवतार में। क्या टाटा नैनो इलेक्ट्रिक अवतार में आने वाली है या नहीं, या आएगी तो कब तक आ सकती है, पूरा डिटेल से सब बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है, तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर ऑल क्लिक कर लीजिए। टाटा नैनो, ये गाड़ी को लॉन्च किया गया था इंडिया के मार्केट में जनवरी 2008 में। ये गाड़ी के साथ एक टैगलाइन लगाया गया था, चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड। जी हाँ, ये था भी, लेकिन ये गाड़ी फेल हुआ उतना सेल्स जनरेट करने में इंडिया के मार्केट में। प्रॉब्लम तो कई सारे थे, लेकिन उसको सॉल्व भी किया गया और ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ, लेकिन उतना कुछ सेल नहीं ले पाया जितना कि इससे उम्मीद था। गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी में आपको 624 सीसी का ट्विन सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया था, जिसमें आपको 38 bhp का पावर, 51 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा था। 4-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी ये गाड़ी में दे दिया गया था। गाड़ी के लॉन्च के 12 साल के बाद अप्रैल 2020 में एक नए इमिशन इम्प्लीमेंट कराया गया। जी हाँ, ये था BS6 एमिशन नॉर्म्स। इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद टाटा नैनो को अप्रैल 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन अब 2022 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने टाटा गोइंग टू री इंट्रोड्यूस टाटा नैनो विथ एन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन या इलेक्ट्रिक अवतार। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक अवतार में नहीं आएगी, इसमें आपको एडवांस लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, फ्यूचरिस्टिक एक्सटीरियर एंड इंटीरियर डिजाइन भी देखने को मिल जाएगी। गाड़ी में आपको नए सस्पेंशन सेटअप के साथ साथ स्टाइलिश व्हील्स, गाड़ी बिल्कुल नए अवतार में आने वाली है। हालांकि टाटा के तरफ से कोई अभी तक ऑफिशियली इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दिया गया है। अगर ये गाड़ी आता है तो यहाँ पे हो सकता है टाटा अपने टाटा टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे पावर ट्रेन और जैसे बैटरी पैक इस गाड़ी में दे। टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल में दिया जाता है 19.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक, उसके साथ साथ 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिसमें एक फुल चार्ज में 250 किलोमीटर का रेंज और 315 किलोमीटर का रेंज देखने को मिल जाता है। उसी तरह कुछ हो सकता है यहाँ पे दिए जाए, या हो सकता है एक छोटी बैटरी पैक दिए जाए, 19.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक जैसे दिए जाए, जो कि और हो सकता है ये 200 से लेकर 250 किलोमीटर का रेंज दे दे एक फुल चार्ज में। ये बिल्कुल ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर बात करीजिए इंडिया के मार्केट में काफ़ी सारे स्मॉल कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं, और आगे 2023 में भी कई सारे कंपनियां अपने स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ला रहे हैं। तो उसके साथ कम्पीट करने के लिए टाटा अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है, तो टाटा के पास नैनो का प्लेटफॉर्म है, उसको वो मॉडिफाई करके उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ला पाए। और टाटा नैनो काफ़ी बड़ी नाम है, काफ़ी पॉपुलर नाम है, तो ये तो आना भी चाहिए इंडिया के मार्केट में। अगर ये गाड़ी आ जाए तो टाटा के तरफ से ये मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। हालांकि बात करें अभी टाटा के टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के मार्केट में मोस्ट अफोर्डेबल फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और ये टाटा नैनो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए तो काफ़ी बेहतरीन बात हो जाएगा। तो मेरे ओपिनियन और मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये गाड़ी बिल्कुल ही आना चाहिए। आपका क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे कैसे नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।